हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएनए। तो टीम इंडिया ने जो इंडिया टूर ऑफ जिम्बाब्वे की बात करें तो अपने नाम कर लिया है, 3-1 से सीरीज में आगे है। और आज के मैच की बात करें तो 10 विकेट से जीत दर्ज की है। मेरा नाम है अर्पित दुबे, मेरे साथ है लव। तो लव, बहुत ही शानदार, डीएनए के साथ साथ उनकी भी जीत हुई है। जी, डीएनए ने यहाँ पे जीत लिया और इंडिया ने वहां पे जीत लिया है, और इसके साथ साथ अपनी सीरीज पे पकड़ बना ली है और सीरीज अपने नाम कर ली है। यहाँ से इंडिया जीत ही रही है, हार तो नहीं सकती जिम्बाब्वे से। पहली खराब शुरुआत के बाद लगातार जिस तरीके से मैच जीत के एकदम डोमिनेटिंग विक्ट्रीज के साथ इंडिया ने अपना नाम करा है। जयसवाल की वापसी हुई है और एक ओपनिंग सिक्स जोड़ी की जो कमी थी वो हमें मिल गई है। बिल्कुल, शुभमन गिल और यशस्वी जयसवाल जिस तरीके से लगातार हिटिंग कर रहे थे। जयसवाल का स्ट्राइक रेट आप देखिए, 175 के आसपास का स्ट्राइक रेट, लगातार बेहतरीन तरीके से उन्होंने हिटिंग करी। जी, बहुत ही शानदार जीत थी टीम इंडिया की। आज की बात करें तो 152 रन बनवाए थे जिम्बाब्वे से और 153 का चेस कर रहे थे, जो कि 10 विकेट से जीत की बात करें तो 7 रन से रह गए यशस्वी जयसवाल, वरना उनका शतक भी हो सकता था। और ये बहुत ही शानदार उनका शतक होता, क्योंकि हम देख चुके हैं जिस तरीके से शतक मारे हैं अभिषेक शर्मा ने, तो इस दूसरे मैच में हमें लगता है कि चौथे ही मैच में शतक हमें देखने को मिलता, वो रह गया। लेकिन 3-1 से सीरीज में आ गए, ये एक अच्छी बात है। आखिरी मैच में हो सकता है कि टीम इंडिया में बड़े चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं, जिन प्लेयर्स को अभी तक मौका नहीं मिला है, जैसे रियान पराग। अभी देखे, उन्होंने पहले ही मैच में आउट हो गए थे, तो हो सकता है कि रियान पराग, साई सुदर्शन और यशस्वी जयसवाल आराम कर सकते हैं, जिस तरीके से उन्होंने दो मैचों में अच्छा किया है। जी, और मुझे लगता है आज बॉलिंग की भी काफी तारीफ होनी चाहिए। खलील अहमद जिस तरीके से लगातार कंसिस्टेंटली अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं, आप रवि बिश्नोई को ले लीजिए, पूरे टूर्नामेंट कंसिस्टेंट रहे। लास्ट मैच जरूर महंगा साबित हुए थे, मगर इस मैच में वॉशिंगटन सुंदर लगातार इकोनॉमिकल बॉलिंग, आज भी 8 की इकोनॉमी, लेकिन विकेट भी चटका आज, तो एक इंपॉर्टेंट विकेट वॉशिंगटन सुंदर के नाम पे भी है। जी, तो ओवरऑल स्कोर कार्ड बता देते हैं, 152 रन। लव, आप पहले स्कोर कार्ड बता दीजिए, जिम्बाब्वे की बैटिंग किस तरीके से रही? मजवेर ने 24 बॉलों में 25 रन बनाए, 4 बाउंड्रीज मारी उन्होंने, 4 चौके, 4 के स्ट्राइक रेट से। मरुमानी को आज मौका मिला था 31 बॉलों में 32 रन, इन्होंने भी आज कुछ खास नहीं खेला। सिकंदर रजा की अगर बात करें, सिकंदर रजा ने आज कप्तानी पारी खेली, 46 रन बनाए 28 बॉलों में, तो एक अच्छी उन्होंने जगह पहुंचाया जिम्बाब्वे को। कैंपबेल 3 बॉल 3 रन, मायर्स 13 बॉल 12 रन, और कुछ खास रहा नहीं है जिम्बाब्वे का अगर आप बैटिंग स्कोर कार्ड की बात करेंगे। इंडिया के बॉलिंग की बात करें, खलील अहमद हाईलाइट, 4 ओवर 32 रन, 2 विकेट, 8 की इकॉनमी के साथ। तुषार देशपांडे को आज मौका मिला था, महंगे साबित हुए, 3 ओवर 30 रन, 1 विकेट। तो जब तक महेंद्र सिंह धोनी विकेट कीपर नहीं है, विकेट के पीछे नहीं है, तो तुषार देशपांडे इफेक्टिव नहीं है। जी, रवि बिश्नोई 4 ओवर 32 रन, उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर 4 ओवर, रवि बिश्नोई 4 ओवर 22 रन, वॉशिंगटन सुंदर 4 ओवर 32 रन, अभिषेक शर्मा 3 ओवर 20 रन। तो अभिषेक शर्मा ने फाइनली अच्छी इकॉनमी के साथ उन्होंने बॉल डाली है इस पूरे टूर्नामेंट की अगर आप बात करें। जी, शिवम दुबे 2 ओवर 11 रन, आज शिवम दुबे ने भी अच्छी बॉलिंग कराई, 1 विकेट भी छटका इसके साथ ही। अगर आप बैटिंग स्कोर कार्ड की इंडिया की बात करेंगे, जयसवाल 93 रन उन्होंने बनाए, 53 बॉल, 13 चौके और 2 छक्के लगाए, और 175 का स्ट्राइक रेट, बहुत शानदार स्ट्राइक रेट। और आप देखते हैं यशस्वी जयसवाल जब भी ग्राउंड पे रहते हैं छक्के आधा लगते हैं, पहली बार शायद ऐसा हुआ है कि चौकों में डील करा उन्होंने, और 175 के स्ट्राइक रेट के साथ। शुभमन गिल बराबर छक्के मारे, 2 छक्के उन्होंने भी मारे और 6 चौके मारे, 58 रन 39 बॉल्स में, 150 से ऊपर इकोनॉमी स्ट्राइक रेट नहीं है, बट एक बेहतरीन पूरा गेम कह सकते हैं इनका रहा। बिल्कुल, तो ओवरऑल टीम इंडिया की शानदार हमें बैटिंग देखने को मिली, वहीं बॉलिंग अब अच्छी यूनिट दिख रही है। श्रीलंका दौरा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिस तरीके से गौतम गंभीर एज एन हेड कोच वापसी कर रहे हैं, पहली बार उनको मौका मिलेगा खेलने के लिए, और साथ में कप्तानी के साथ साथ देखना पड़ेगा कि कौन कौन प्लेयर्स वो सिलेक्ट करते हैं, और क्या बहुत इंपॉर्टेंट कोचिंग में भी अभी स्टाफ अभी सिलेक्ट नहीं हुआ, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा श्रीलंका दौरा, तो उस पर भी आप हमारे साथ बने रहिएगा। लास्ट मैच कल टीम इंडिया का रह गया, तो देखते हैं उसमें क्या चेंजेस होते हैं। अभी आप डीएनए के साथ बने रहे और लाइक शेयर कमेंट कर दें, और आपको इंडिया टूर ऑफ जिम्बाब्वे, पेरिस ओलंपिक्स भी आने वाला है, तो सारी स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई जानकारियों के लिए फॉलो और सब्सक्राइब करिए डीएनए को। थैंक यू फॉर वॉचिंग डीएनए।